हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पांच ऐसी मेडिसिंस के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि एनआरएक्स ग्रुप की मेडिसिन है, यानी नींद की दवाएं हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम करती हैं और यह मार्केट में जो है आपको आसानी से मिल भी जाती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इन पाँचों ब्रांड्स के बारे में तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि नींद की दवाएँ आखिर हमें क्यों लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इन मेडिसिंस के बारे में जिनको मैं जो है आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों अगर इन मेडिसिन के यूज़ की बात करें तो जब किसी पेशेंट को नींद नहीं आ रही होती है, पेशेंट इंसोम्निया का जो है मरीज है, उसको टेंशन बनी रहती है और टेंशन के साथ साथ जब वो रात में सोता है तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो उस कंडीशन में माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो है इस प्रकार की मेडिसिन देना पड़ता है। और कभी कभी कुछ पेशेंट में क्या होता है कि जब वो हाइपर होते हैं, उनका बीपी लेवल बढ़ा होता है, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को नींद नहीं आती तो भी देना पड़ता है, या फिर यूँ कहें कि जब किसी पेशेंट का बीपी लेवल डाउन हो जाता है तो भी पेशेंट को उलझन होती है, तो उस कंडीशन में जो है इस प्रकार की मेडिसिन पेशेंट को देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पांच बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो कि नींद लाने के लिए प्रयोग में पेशेंट को दिया जाता है। नंबर वन, क्लोज 0.25 mg। अगर हम इसके साल्ट की बात करें तो इसमें क्लोनाजेपम साल्ट होता है जो कि नींद के लिए काफ़ी बेस्ट मेडिसिन है। नंबर दूसरा, अल्प्राक्स 0.25 mg। अगर हम इसके साल्ट की बात करें तो इसमें अल्पेराजोलम साल्ट होता है, यह भी नींद के लिए काफ़ी बेस्ट दवा है। नंबर तीसरा, एविटान 1 mg। यह मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी नींद लाने के लिए मेडिसिन होती है। अगर हम इसके साल्ट की बात करें तो इसमें लोराजेपम साल्ट होता है। नंबर चौथा, जोलप्रेस जिसका पावर 10 mg है, यह मेडिसिन भी काफी अच्छी नींद के लिए होती है। और नंबर पांचवा, जोनटेल 0.25 mg, यह मेडिसिन भी नींद के लिए काफी बेस्ट मेडिसिन होती है। अगर दोस्तों हम बात करें इन सभी मेडिसिन के डोज के बारे में तो इसका डोज अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड लेने के बाद ही दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों यदि इन मेडिसिन को डायरेक्टली आप मेडिकल स्टोर में परचेज करने के लिए जाते हो तो यह डायरेक्टली आपको नहीं मिलती है। जब कोई डॉक्टर पर्चे में प्रिस्क्राइब्ड करता है पेशेंट को, तभी इस प्रकार की दवाएं मेडिकल स्टोर वाला आपको देता है। सो दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने